two stations A and B are 150 kilometers apart from each other. इनको पहले बना लें, ये A है और यहां करके एक B station है. The distance between them has been given as 150 kilometers. One train starts from A at a speed of 30 and travels towards B. यहां से एक ट्रेन चलती है, वो चल रही है 30 kilometers per hour पे. Another train starts from station B at 7 AM at a speed of 20. ये एक ट्रेन इधर से चल रही है, वो भी चल रही है 20 kilometers per hour पे. At what time will they meet? अब ये बीच में ये भी दिया हुआ है 6 AM और 7 AM. इसे भी देख लें. One train starts from A at 6 AM. ये ट्रेन चली है 6 AM पे और ये चली है 7 AM पे. तो हमें पूछा गया है कि वो किस वक्त मिलेंगी. That means we have to tell the time on the watch. अब एकदम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्ट्राइक नहीं करता. इसको अगर मैं इस पार्ट को देखूं, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, ये जो मीट वर्ड है ना, इससे हमारे को एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि ये उस पे बेस्ड है क्वेश्चन पे, जहां पे दो ट्रेन्स इकट्ठी चलती हैं. यहां पे तो कोई 6 बजे चली है, कोई 7 बजे चली है, ये वो वाला जहां पे इकट्ठी चलती है और इनके बीच का डिस्टेंस पहले से पता होता है और ये कितनी देर में मिलती हैं वो हमें वहां पता करना होता है. ये मैंने किया है सॉल्व पिछले वीडियो में, तीसरा या चौथा वीडियो होगा. ये उसी पे ही बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन. तो अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन पता है तो इस वाले को मैं एकदम इस फॉर्म में ला सकता हूं. मैं कैसे लाऊंगा, देखो 6 बजे ये चली, 7 बजे ये चलती है, तो मैं अगर यहां पे एक पॉइंट लगाऊं, यहां पे 7 AM लगा लूं और मेरे को पता चल जाए कि 7 बजे ये ट्रेन ने ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा, तो उसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, 150 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो यहां पे सिचुएशन बन जाएगी कि एक ट्रेन इस पॉइंट से और एक ट्रेन इस पॉइंट से इकट्ठी चलती हैं, तो ये कब मिलती हैं वो मेरे को इस फंडामेंटल से पता चल जाएगा. ओके, कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ. नाउ 6 AM टू 7 AM इज 1 आवर. 1 आवर में ये डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये 30 किलोमीटर्स पर आ रहे, तो इन 1 आवर इट विल कवर 30 किलोमीटर्स हेयर. तो अब जो वापस बचता है डिस्टेंस, मेरे पास ये डिस्टेंस बचा है 150 माइनस 30, 120 किलोमीटर्स. तो ये क्वेश्चन ये वाला बन गया कि दो ट्रेन्स हैं, वो इकट्ठी चलती हैं, डिस्टेंस उनमें 120 किलोमीटर्स है और वो कितनी देर में मिलेंगी जाके. तो ये वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बेस पे ये 30 किलोमीटर्स पर आ रहे, इनका जो रेट ऑफ कवरिंग दिस डिस्टेंस, रिड्यूसिंग दिस डिस्टेंस, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है, वो है 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आर. ये इस रेट पे ये वाला डिस्टेंस रिड्यूस होता है. तो बेसिकली 120 किलोमीटर कितनी देर में रिड्यूस होगा, इसका सेटअप कर सकते हैं 50 किलोमीटर्स को वो 1 आवर में रिड्यूस करते हैं. 1 को करेगा 1/50 और 120 को वो करेगा, इसी को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाता है 12/5. ये मेरे पास है आर्स में. अब ये नहीं हो सकता कि ऑप्शन में ऐसा उल्टा सीधा हो कि ये तो मुझे पता नहीं कि ये आर्स कितने हैं यहां से, तो साथ में 12/5 आवर्स ऐड करके, ये ह्यूमन रीडेबल तो है नहीं. उसने ऑप्शन दी होंगी कुछ ऐसे 9 बज के ये मिनट, 8 बज के ये मिनट, उस फॉर्म में दी होंगी. तो इस वाले को मुझे पहले आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है. इसमें बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं हम, ये 12 है, इसको आप यूं लिखें 5, ये 2, ये 10 हो गया, ये 2 बच गया, तो ये वाला न्यूमरेटर, ये जो आंसर होता है इस साइड वाला, ये 2 लिखा यहां पे, ये जो रिमाइंडर बचा वो 2 यहां आया और जिससे डिवाइड किया 5 हो गया.
So this 12 by 5 is equivalent to 2 plus 2 by 5 hours. इसमें 2 hours पूरे हैं, 2 by 5 fractional है, तो 2 by 5 के मैं minutes बना लेता हूँ. तो इसको मैं लिखता हूँ 2 plus 2 by 5 multiplied by 60. ये 12 से कट जाता है. तो ये बन जाएगा आपका 2 hours plus ये 12 दुने 24 हो गए, 24 minutes. Now this 12 by 5 is in this human readable format. तो ये आंसर अब है हमारे पास. ये 7 बजे यहाँ पे कहानी शुरू हुई थी, उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद ये मिलेंगे. तो ये मिलने का टाइम क्या हो जाता है, 7 जमा 2 9 बज के 24 मिनट. ये आंसर होगा उस ऑप्शन में. So this is how you can solve this question. तो बेसिकली मैं फिर से कहूँगा कि फंडामेंटल टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करे होने चाहिए पहले. अगर वो करे होंगे ना, तो ये वाले क्वेश्चन जो अब उन्होंने, ये नए क्वेश्चन जो नए एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो उन्हीं के बेस पे होते हैं. लेकिन उनको सॉल्व, इजीली सॉल्व करने के लिए आपको ये किए होंगे, तो ये जल्दी से आप रिड्यूस कर पाते हैं. सो दिस इज हाउ यू शुड वर्क अराउंड इट.